पी पी जैसे एक, एक यूज़ करने लग गए, वो घुल ही नहीं रही बिल्कुल भी, और कुछ इसके बारे में पता था पहले केमिकल है ऐसे है, तो मन किया गंगा दूषित नहीं होनी चाहिए। कोई पैसा नहीं, मंदिर के लिए बनाता हूँ सिर्फ। कि मेरा वो काम भी है, अपना काम करना है, इस हफ्ते पहले छुट्टी कर लेता हूँ, ये मूर्ति तैयार करता हूँ बस। नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा। 31 अगस्त से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है और आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि रोहतक में ऐसी कई मंदिर हैं, ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं जहां पर पीओपी की गणेश मूर्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। इसे सूखने में थोड़ा अधिक समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये पानी को दूषित नहीं करता, साथ ही इसके और भी कई फायदे हैं। आज एक ऐसे मंदिर में हम आए हैं जिसकी मान्यता तकरीबन 100 से अधिक साल से पुरानी है। हम मौजूद हैं माता दरवाजा स्थित राधे कृष्ण कूड़ामल मंदिर में। मंदिर की मान्यता काफ़ी पुरानी है जो हमें पंडिताइन ने बताई, साथ ही जो कारीगर सुंदर 2016 से यहाँ पर स्वयं इच्छा से मिट्टी की मूर्ति बना रहा है, उनसे हमारी क्या बात हुई सुने। ये मूर्ति मैं अपनी इच्छा से बना रहा हूँ, यहाँ से हम 2016 से बनाने शुरू की थी अपनी इच्छा से, कि मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे तो जल में फायदा होगा, यानी जल दूषित नहीं होगा इससे, इसलिए बना रहे हैं। कितना टाइम लगता है मूर्ति बनाने? मूर्ति बनाने में हफ्ता लग जाता है इसमें। हम गणेश महोत्सव 31 तारीख से शुरू है, पर उससे हम हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देते हैं इसको। इसमें ये प्रकृति घास डूब होती है, वो क्या कहते हैं उसको कुश, और इसमें लगाते हैं हम मिट्टी कुमार वाली, जो मिट्टी मटके वाली मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, हल्दी, ये इसके अंदर डालते हैं, और इसके बेस के लिए अंदर के लिए तांबे की तार लगाते यूज़ करते हैं इसके लिए, और इसके ऊपर जो कलर होंगे वो पानी वाले कलर ही होंगे, जो प्राकृतिक कलर होते हैं। ये पीओपी वाली जो मूर्ति होती है ना, ये केमिकल होता है जो नदी में जाता है, किसको जीव वगैरह खाते हैं, मछलियाँ खाती है तो मर जाती है इसीलिए, और उसका जल भी दूषित होता है, जल्दी से गलता नहीं है, तो इसलिए उनका कह रहा था पीओपी ना बनाए तो मिट्टी की बनाए, ताकि जल्दी से पानी में घुल के वापस मिल जाए उसी में, यही लिए। कितने समय पहले से बना रहे होंगे? ये कम से कम 6 साल ही हो गया अभी तो बनाते हुए। विसर्जन कैसे करते हैं? इसका विसर्जन इसको लेके जाते हैं गंगा जी पे, वहीं पूजा करते हैं इसकी, वहीं पूजा करने के बाद इसको कर देते हैं उसके अंदर, वो करते जो घुलने लग जाता हूँ तभी फटाफट पीओपी वाला तुरंत घुलता, पीओपी वाला से तैरता जाएगा, ये डूब जाता है अंदर ही नहीं। वैसे मैं कुमार जाति से संबंधित हूँ, मेरे दादाजी मटके वगैरह बनाते थे के लिए। कितनी कहाँ से प्रेरणा मिली मिट्टी की मूर्ति बनाने की? ये पहले पीओपी के लेके जाते थे ना, तो हम पीओपी का जैसे एक यूज़ करने लग गए, वो घुल ही नहीं रही बिल्कुल भी, और कुछ इसके बारे में पता था पहले केमिकल है ऐसे है, तो मन किया गंगा दूषित नहीं होनी चाहिए, तो बनाने मन की इच्छा की, पंडित जी से कहा मैंने कि मैं खुद बनाऊँगा यहाँ पे, तो पंडित जी बोले ठीक है तो आपसे बनाने शुरू करेंगे। कोई पैसा नहीं, मंदिर के लिए बनाता हूँ सिर्फ, यहाँ मंदिर के लिए बस, कि मेरा वो काम भी है, अपना काम करना है, इस हफ्ते पहले छुट्टी कर लेता हूँ, ये मूर्ति तैयार करता हूँ बस। दिन में कितने घंटे लगाते हैं मूर्ति बनाने? ये दिन में पूरा दिन लगेगा। कितने बजे बैठते हो, कब तक उठते हो? 10 से 6 बजे तक। मंदिर की पुजारिन ने हमें बताया कि मंदिर की मान्यता 100 से अधिक वर्ष से ज्यादा है, वही विसर्जन के समय ये गणपति जी की मूर्ति को हरिद्वार लेकर जाते हैं पूरे धूमधाम से, पूरा महोत्सव मनाते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सभी त्योहार इसी प्रकार धूमधाम से ही मनाते हैं।
मंदिर 100 साल पुराना है जी, और गणेश महोत्सव तो मैं जब आई उसके बाद ही देखा, उससे पहले से स्टार्ट हो रहा था गणेश पूजा तो 2000 से। हर बार विसर्जन के लिए हम हरिद्वार लेके जाते हैं गणेश जी, और ये बनाते हैं मिट्टी के, अब 2016 से बनाने लग रहे हैं। अब अच्छा ये बनाते हैं इन चीज़ों से, ये कुसा से, मिट्टी, कई चीज़ों से। पहले तो अब उसके लेके आते थे हम बाहर से POP की, अब ये बनाते हैं तो अच्छा है। क्या संदेश देना चाहोगे, POP की मिट्टी कितनी हानिकारक है? बहुत हानिकारक है, तो पानी में विसर्जन करेंगे, जल में तो जानवर पीते हैं, बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, कितना नुकसान है पानी में तो बहुत ज़्यादा। ये चीज़ तो साफ करती है, जैसे घास होगी डूब डाब तो ये अपनी पानी को शुद्ध करती है डाब। हम जब ग्रहण लगता है तब भी ये इसको डालते हैं पानी में इसको साफ करने के लिए, तो अच्छा ये बनाते हैं। ये इसे मिट्टी तो पिघल जाएगी, सारे बह जाएगी पानी में, जो डाब रह जाएगी पानी को साफ कर लेगी, जो तांबा लगा हुआ है किसी और के काम आ जाएगी इसमें से। हाँ, नुकसान नहीं बिल्कुल इसमें से, तांबा भी अच्छा है और ये घास भी अच्छी है, मिट्टी भी अच्छी इसमें। मंदिर की क्या परंपरा है, कितना पुराना? मंदिर तो है 100 साल पुराना, बहुत परंपरा है इसकी, बाकी इतनी जानकारी मेरे को नहीं है जी आगे की तो। हाँ, मंदिर का नाम कुड़ामल मंदिर है, राधा कृष्ण कुड़ामल मंदिर। हर त्योहार आप मनाते हैं? हाँ जी, गणेश पूजा भी और माता नवरात्रि भी, जन्माष्टमी भी, शिवरात्रि भी। मान्यता कितनी है? बहुत है मान्यता। आशा करते हैं आप भी ज़रूर इनसे कुछ सीखेंगे और POP की मूर्तियां बनाना बंद कर देंगे, मिट्टी और डाब की मूर्ति से गणपति को सजाएंगे। नमस्कार।